पढ़ाया था लेमली ब्रैंकिया, उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है किसी लेमली ब्रैंक का, वो किस तरीके से होता है, जब आप आएंगे तो प्रैक्टिकल में आप करेंगे तो इसको आप यही समझ लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और उस समय आप इसको चाहें तो इसकी एक फोटो ले लें और इसको देख लें, है ना, इसके जो पॉइंट्स हैं, जब तक दूसरे लोग आ रहे हैं मैं डिस्कस कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ लेमली ब्रैंक शेल, इसको आपको चार भाग में डिस्क्राइब करना है। नंबर वन एक्सटर्नल फीचर्स, नंबर टू इंटरनल फीचर्स, नंबर थ्री नेम ऑफ द जीनस, नंबर फोर जियोलॉजिकल एज एंड रेंज, है ना, ये कलर्ड में आपको लिख दिया है। अभी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कैरेक्टर्स, है ना, या कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इनको प्रॉपर्टीज नहीं बोलते। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, सब लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इनर्ट चीजों की होती हैं, मिनरल्स की प्रॉपर्टी होंगी, रॉक्स की होंगी, लेकिन जो लिविंग बीइंग है या वंस लिविंग बीइंग थे, फॉसिल हो गए, उनके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बायोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर दो भागों में डिवाइड हुए, एक्सटर्नल फीचर इंटरनल फीचर। ये फीचर जो है शेल के हैं, ये फीचर्स एनिमल के नहीं है, क्योंकि फॉसिल में हमको एनिमल नहीं मिलता। तो देखिए, अब सब चीजें आप पढ़ चुके हैं तो आपको 1 मिनट में, धीरे धीरे 1-1 मिनट में समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर ए, शेप एंड साइज एंड थिक, शेप साइज एंड थिकनेस। शेप मैंने आपको बताया ट्राइगोनल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, इलांगेटेड हो सकता है, क्वाड्रेंगुलर हो सकता है, कोनिकल हो सकता है। सबके एग्जाम्पल आपको एक एक आप सबके पता है, जैसे ट्राइगोनल का ट्राइगोनिया है ना, ओवल इलिप्टिकल का वीनस है, इलांगेटेड का माया है, क्वाड्रेंगुलर का आपका आर्का है, रेक्टेंगुलर का आप रेक्टेंगुलर लिखा नहीं है इसमें, उसमें आएगा स्पॉन्डाइलस, कोनिकल में हिपुराइटिस, फिर दूसरा है साइज, लार्ज स्मॉल, लार्ज मीडियम स्मॉल, तो जो बहुत ज्यादा बड़े हैं 3 इंच से ऊपर हैं उनको हम लार्ज कहते हैं, और जो 1 इंच से छोटे हैं उनको हम स्मॉल कहते हैं, उसके बीच की साइज को हम मीडियम कहते हैं। फिर शेल थिक, थिन, थिक, वेरी थिक। थिन शेल आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगी, मैंने आपको दिखाया भी है, यूनियो पाइला, और उसके उससे ऊपर फिर थिक शेल मिलेंगी और वेरी थिक, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफिया बताया मैंने आपको, है ना, तो ग्रेफिया आ जाएगा वेरी थिक में, ऑस्ट्रिया आ जाएगा थिक में, या कई बार वेरी थिक में, और बाकी कुछ है वो थिक में आएंगे और कुछ आएंगे थिन में। रेशियो ऑफ हाइट वर्सेस लेंथ, ये जब आप करेंगे तो अपने आप मेजर कर लेंगे कि उसकी हाइट कितनी है और लेंथ कितनी है, उसका रेशियो क्या है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2:1 है, मतलब उसकी हाइट ज्यादा है और लेंथ जो है उसकी कम है। इक्विवॉल्व इन इक्विवॉल्व, मतलब दोनों वॉल बराबर है या नहीं है, यदि इक्विवॉल्व है तो फिर दोनों बराबर है, और इन इक्विवॉल्व है तो कौन सा लार्जर है, लेफ्ट वॉल लार्जर है या राइट वॉल लार्जर है, ठीक है। अब उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो वॉल्व आपको दिया गया है या फॉसिल जो आपको मिला है वो राइट वॉल्व का है कि लेफ्ट वॉल्व का। कल मैंने आपको बताया था एंटीरियर पोस्टीरियर आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, यदि पहले आपको एडक्टर मसल्स दिखाई दे रहे हैं तो मसल इंप्रेशंस, तो एंटीरियर पोस्ट देख लीजिए, यदि पेलियल साइनस दिख रहा है तो वो देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि जो वॉल्व आप कर रहे हैं वो लेफ्ट वॉल्व है कि राइट वॉल्व है। कंपोजिशन ज्यादातर कैल्सिटिक है, बहुत कम एरोगोनेटिक है। एरोगोनेटिक मैंने आपको बताए थे, एक तो ग्रेफिया एरोगोनेटिक है, हिपुराइटिस एरोगोनेटिक है, ट्राइगोनिया भी कई बार एरोगोनेटिक मिलता है, लेकिन ज्यादातर ये कैल्सिटिक मिलते हैं, कलर उसका एरोगोनेटिक होता है, लेकिन बाद में एरोगोनाइट जो है कैल्साइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सरफेस आपको बताना, सरफेस स्मूथ है और या एनेमल्ड है। स्मूथ सरफेस में कोई पेंट जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, और जिसमें पेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखे उसको एनेमल, हालांकि फर्टिलाइजेशन पे पेंट जैसा स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। और अंबो जो है स्मॉल लार्ज प्रोमिनेंट, इसमें कवर्ड लिखा है उसको कर्व पढ़िए, CURVED, है ना, कर्व पढ़िए, स्पाइरल, जैसे स्मॉल अंबो, लार्ज अंबो, प्रोमिनेंट, कर्व का मैंने आपको बताया था, जैसे आपका ग्रेफिया है, स्पाइरल मैंने आपको बताया था, आपका एक्सोगाइरा है, ठीक है। ग्रोथ लाइंस डिस्टिंक्ट इनडिस्टिंक्ट इरेगुलर, क्लियर दिखाई दे रही हैं, यदि पेंटेड नहीं है तो क्लियर दिखाई देंगी, अदरवाइज यदि घिस गया है तो वो इनडिस्टिंक्ट होंगी, या कई में दिखाई दे रही है लेकिन इरेगुलर है। फिर सरफेस ऑर्नामेंटेड है कि नहीं, तो ऑर्नामेंटेड है तो आप लिखेंगे किससे ऑर्नामेंटेड है, स्पाइन्स है उसको बोलेंगे स्पाइनोस, स्ट्रिएटेड है, लाइंस है स्ट्रिएटेड, रिब्स है तो रिब्ड बोलेंगे, कोस्टी है तो कोस्टेड बोलेंगे,
ट्यूबरकल्स हैं, गोल गोल उठे हुए तो ट्यूबरकल्स बोलेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये रेडियल है या कॉन्सेंट्रिक, स्ट्रिएशंस रेडियल हैं या कॉन्सेंट्रिक हैं, या रिब्स जो है वो रेडियल हैं या कॉन्सेंट्रिक हैं। कई बार आपको ओस्टी मिलती है रेडियल और स्ट्रिएशंस मिलते हैं कॉन्सेंट्रिक, जैसे कल मैंने आपको आर्का के केस में बताया, या वीनस के केस में बताया, या ऑस्ट्रिया के केस में बताया मैंने कि वाइट ओस्टी मिलती है, है ना। स्पेशल फीचर जैसे कोई है इसमें तो आप देख सकते हैं कॉरुगेटेड, जैसे मैंने आपको बताया पैक्टेन है, जिसमें कि पूरी शेल जो है वो जैसे टिन शीट होती है, नालीदार टिन शीट, वैसी कॉरुगेटेड है। और कोई स्पेशल फीचर है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं जो कि इसमें कवर नहीं हुआ है। इंटरनल फीचर में हिंज लाइन स्ट्रेट है, कर्व्ड है, या हिंज जोन है। हिंज लाइन स्ट्रेट में जैसे मैंने आपको बताया आर्का है, कर्व्ड में बहुत सारी हैं, अब कर्व में हाईली कर्व्ड है या मिडी इंटरमीडिएट कर्व है। हिंज जोन जैसे स्पाइंडाइलस में मैंने बताया हिंज जोन है, चौड़ा जोन है। फिर जो हिंज है वो टेक्सोडोंट है, डाइसोडोंट है, आइसोडोंट, साइजोडोंट, हिट्रोडोंट, डेस्मोडोंट, सबके एग्जाम्पल मैंने बताए। टेक्सोडोंट का मैंने बताया आर्का, न्यूक्लिया एंड ग्लाइसीमेरिस, है ना। डाइसोडोंट का माया, माइथिलस। आइसोडोंट का मैंने बताया स्पॉन्डाइलस। साइजोडोंट का बताया ट्राइगोनिया, यूनियो, ट्राइगोनिया सॉरी। हिट्रोडोंट का बताया मैंने साइजोडोंट में ट्राइगोनिया भी आएगा और यूनियो भी आएगा। हिट्रोडोंट का मैंने आपको बताया वीनस, है ना। और डेस्मोडोंट जिसमें कि अंडर डेवलप्ड हो या नहीं हो। फिर अंदर आप देखेंगे कि दोनों एडक्टर मसल एक से है तो उनको बोलेंगे आइसोमेरियन या होमोमेरियन। उसको ऑफ जो है वो, और असल में जब मैं टाइप करता हूँ तो ये बहुत छोटे लेटर होते हैं तो कई बार मेरे को ठीक से दिखता नहीं है, तो ये इसको और पढ़िए, आइसोमेरियन और होमोमेरियन, और दूसरा एनाइसोमेरियन और हिट्रोमेरियन, और यदि सिंगल है तो मोनोमेरियन। अब आपको फिर देखना पेलियल लाइन सिंपल है तो आप लिखेंगे एंटायर, और साइनस है तो आप लिखेंगे कि साइनस प्रेजेंट, स्मॉल साइनस या लार्ज साइनस। इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं होमोमेरियन एंटीग्री पेलिएट, होमोमेरियन साइनू पेलिएट, एनाइसोमेरियन इंटीग्री पेलिएट, एनाइसोमेरियन साइनू पेलिएट। इसको आप यहाँ अलग से स्पेशल फीचर में लिख देंगे। मार्जिन जो है वो सिंपल है कि क्रेनुलेटेड क्रेनुलेशन है तो स्मॉल क्रेनुलेशन है, लार्ज क्रेनुलेशन है, ये आपको देखना है। नेम ऑफ द जीनस आपको बताई जाएगा, वीनस है कि कार्डिटा है। इजियोलॉजिकल एज रेंज उसकी, जैसे कल मैंने आपको बताया हिप्पोराइटिस अपर क्रिटेशियस का है, या और जो फॉसिल मैंने बताया एक्सोगाइडा आपको बताया, अपर जुरैसिक टू मिडिल क्रिटेशियस है। इस तरीके से आपकी उसको जियोलॉजिकल एज को या रेंज को लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लैम्बली ब्रैंक्स को डिस्क्राइब करना है, और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताएं मुझे। कल ये पार्ट रह गया था।